ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। जी हाँ, कुछ यही डायलॉग्स मारते हैं क्लास में बच्चे। बट लेट मी टेल यू ऑनेस्टली गाइस, ये दोस्ती वोस्ती में कुछ नहीं रखा, फ्रेंडशिप वगैरह में कुछ नहीं रखा। फ्रेंडशिप करिए, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है, दोस्ती निभाइए, एक दूसरे को हेल्प कीजिए। बट आज से लाइक 12th के बाद, निकलने के बाद, आप मुझे बताइएगा कि कितने दोस्त जो आपके क्लास में साथ साथ संगी बैठे हुए हैं, कितने सारे बच्चे ऐसा आपके साथ होंगे जो आपके साथ हमेशा हर टाइम रहेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो आप दोस्ती दोस्ती करते रहते हैं, क्या एक्चुअली में आपने पहचाना है कि दोस्त होता क्या है? जो आपका फेवर करे, जो आपको सपोर्ट करे, उसे आप दोस्त कहते हैं? नहीं, वो दोस्त नहीं है। दोस्त वो है जो आपकी गलती पे आपको एक थप्पड़ मारे, पैट करे पीठ के ऊपर और बोले जा पहले इस गलती को सुधार, तब उसे बात करियो। दोस्त ये नहीं है कि आपको किसी गलत संगत में डाले। दोस्त वो नहीं है जो आपको आपके हिसाब से चलाए या आपके हिसाब से चले। दोस्त वो है जो आपको डांट के टाइम डांटे भी, जो आपको सलाह भी दे। तो ये गाने सिर्फ फिल्मों में अच्छे लगते हैं, असलियत में तब अच्छे लगते हैं जब आप एक मुकाम पर खड़े हो जाते हैं, आप एक लेवल पर आ जाते हैं, आप अपनी मेहनत से एक मुकाम हासिल कर लेते हैं, एक डेस्टिनेशन, अपनी एक डेस्टिनी डिसाइड कर लेते हैं कि यस, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि ये 3-4 साल अगर आप 11th 12th और ये 3 साल कॉलेज के अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो डेफिनेटली यू विल रॉक द वर्ल्ड, पूरी जिंदगी बैठ के खाएंगे आप। और यही 4 साल 5 साल आप वेस्ट कर देते हैं और ये सोचते हैं कि आगे चल के हम लोग कुछ मेहनत करेंगे। तो लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, मैं सच बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप धक्के खाएंगे, नौकरियों के धक्के खाएंगे हर पल। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड के बाद तो हालात ऐसे हो गए हैं कि नौकरियां मिलना, जॉब्स मिलना, गवर्नमेंट जॉब्स रह नहीं गए हैं, एज के इशूज इतने चल रहे हैं। मैं आपको वो बातें बता रही हूँ जो मैंने भी पर्सनली फेस की है। मैंने भी अपने स्ट्रगलिंग डेज में हर एक स्कूल में रेज्यूमे डाले जहाँ पर वैकेंसी नहीं भी थी। बट थैंकफुली आई एम ब्लेस्ड कि मैं आज 20 सालों से एक जॉब में हूँ और अच्छे रेप्यूटेड स्कूल में हूँ जहाँ पर मैंने अपनी मेहनत से अपना नाम कमाया है। मेरे मेंटोर्स की बदौलत, मेरे बड़ों की बदौलत मैं आज इस लेवल पे हूँ कि मैं आज आपके सामने वो चीज़ें प्रेजेंट कर पा रही हूँ। सो थैंक्स टू माय मेंटोर्स। बट लेट मी टेल यू, अगर आपको दोस्ती करनी है, अगर आपको इश्क करना है, तो इश्क करिए किताबों से, इश्क करिए अपने जुनून से, इश्क करिए अपनी मंजिल से। यही इश्क आपको आगे बढ़ाएगा। लाइफ में अपना एक ऐसा इश्क ढूंढ लीजिए, लाइफ में अपना एक ऐसा जुनून ढूंढ लीजिए, एक ऐसा जील और एक्साइटमेंट लेवल, या वो एक इंसान के रूप में भी हो सकता है, वो एक किताब के रूप में भी हो सकता है। एक ऐसा जुनून पैदा कर लीजिए अपने अंदर जो आपको वाकई में सुबह उठने के बाद जब आप धरती माता को चूमते हैं और उस टाइम आपके मन में ये चीज़ आई कि आज मैं स्कूल जा रहा हूँ तो आज मुझे ये चीज़ करनी है, आज मुझे डाउट्स लेने हैं। आप किसी के लिए भी, फॉर एग्जांपल, कुछ बच्चों को कुछ टीचर्स फेवरेट होती हैं, कुछ बच्चों के लिए कुछ ऐसा एक किताब फेवरेट होती है, कुछ बच्चे टारगेट लेकर चलते हैं कि यार इस किताब को पढ़ने से मेरी लाइफ चेंज हो रही है। तो दिस शुड बी माई जुनून, दिस शुड बी माई इश्क। तो मैं बच्चों आपको बता रही हूँ कि जिस भी बच्चे ने किसी भी चीज़ से इश्क कर लिया, प्यार मोहब्बत कर ली किताबों से, अपनी मंजिल से, अपनी डेस्टिनेशन से, वो जिंदगी में कामयाब होकर ही रहेगा। एक ऐसा इंसान, एक ऐसी चीज लाइफ में अपना एक एक्साइटमेंट लेवल, जोश बरकरार रखने के लिए ढूंढ लीजिए जिसकी बदौलत आप कह सकें कि इसके कारण मैं लाइफ में जी रहा हूँ। चाहती हूँ कि मैं भी अगर स्कूल जाती हूँ, मैं भी अगर जॉब पे जाती हूँ और मैं अगर रोज होकर काम करती हूँ, दैट इज नॉट द पॉइंट जो हम डेली यूज में चला सकते हैं। द पॉइंट इज कि हमें वो काम करना ही करना है। हम कितने बेटरमेंट के साथ, कितनी खुशी के साथ हम लोग वो काम कर सकते हैं, कितने हंसते हुए काम कर सकते हैं, देन यू विल डेफिनेटली सी। ऐसे लाइफ में मेरे बहुत स्टूडेंट्स आए हैं, बहुत ऐसे लोग आए हैं जो बहुत डिप्रेसिव मोड से गुजरे हैं, लेकिन थोड़े से सपोर्ट के कारण आज वो बच्चे हों या बड़े हों, उनका ये कहना है कि नाउ दे हैव रियलाइज देयर मिस्टेक, नाउ दे हैव रियलाइज जो ये दोस्ती दोस्ती सारा दिन करते थे कुछ नहीं रखा, आज उन्हीं दोस्तों ने उन्हें काट दिया है, उन्हीं दोस्तों ने उन्हें एलियनेट कर दिया है। तो क्यों ना इश्क करो अपनी किताबों से, क्यों ना इश्क करो अपने जुनून से, क्यों ना इश्क करो अपने करियर से। एक बार करियर सेट हो जाएगा, एक बार मंजिल सेट हो जाएगी, दुनिया आपके पीछे घूमेगी। मार्क माई वर्ड्स विद दिस, अगर आप इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोज देखना चाहते हैं जो कि मैं कोई स्क्रिप्टेड नहीं करती, जो मैं डायरेक्ट दिल से बोलती हूँ, जो मेरे मन में आता है, जो मैं डेली अपने बच्चों के सामने बोलती हूँ, क्लास में बोलती हूँ, लेमैन के सामने बोलती हूँ, वही मैं डायरेक्ट आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। तो जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, फैला दीजिए वीडियो को, डू सब्सक्राइब द चैनल। सो विद दिस, आपकी अपनी विनीता मैम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।